हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद प्रिया। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करना। क्लियर? केमिकल रिएक्शन जो होती है बहुत बच्चों को बहुत टफ लगती है। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कुछ भी लिख दी जाती है। जो केमिकल रिएक्शंस होती है, दीज रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन सर्टेन लॉज। ये जो हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ये कुछ लॉज पे बेस्ड होती है। क्लियर? एंड दोज लॉज आर नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो भी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एक्चुअली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होती है। तो अगर इन लॉज को हम अच्छे से समझ लें तो हम काफ़ी जो हमारी न्यूक्लियर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को अपने आप से कर सकते हैं, यानी हम हैबिचुअल हो सकते हैं उसके। क्लियर? सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? वो लॉज जिसपे क्या बेस्ड है, हमारी केमिकल रिएक्शंस बेस्ड है। सो बेसिकली वी हैव फाइव लॉज, हमारे फाइव लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन एंड गे लुसैक लॉ, विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है? सो बेसिकली ये पांच लॉज हैं जिनको हमने पढ़ना है। बट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली वन लॉ, दैट इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? क्योंकि एक साथ इन वीडियोस को पढ़ना और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सो वी विल टेक दिस वन बाई वन। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस लॉ। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर? ये जो लॉ हमें बताया था, दिस लॉ वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट एंटोनी लेवोइजियर इन 1789। तो ये जो लॉ हमें दिया था, ये दिया था एंटोनी लेवोइजियर इन 1789। 1789 में एंटोनी लेवोइजियर ने इस लॉ के बारे में हमें बताया था। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, चाहे फिजिकल चेंज हो रहा हो चाहे केमिकल चेंज हो रहा हो, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? इस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? इस लॉ का स्टेटमेंट था, इन ऑल फिजिकल and chemical changes the total mass of the reactant is equal to that of the product. चाहे कोई भी चेंज हो रहा हो, फिजिकल चेंज हो रहा हो या केमिकल चेंज हो रहा हो, जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के इक्वल होगा। क्लियर? इसका मतलब क्या था कि ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज, चाहे कोई भी फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द मास ऑफ द मैटर। जो मैटर है उसके मास में ना ही कोई इंक्रीज होगा ना ही कोई डिक्रीज होगा। तो इसके बेसिस पे जो सेकंड स्टेटमेंट बना था वो क्या बना था? दैट मैटर इज नीदर क्रिएटेड nor be destroyed. Clear? इस जो लॉ था, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? आपका कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा हो, देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द मास ऑफ द मैटर। इट मीन्स मैटर नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट्स वाई दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। इस लॉ को दूसरा क्या नाम दिया गया? इस लॉ को दूसरा नाम दिया गया लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर।
सिंपल सा लॉ है, ठीक है। यानी किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। लेट अस टेक सम एग्जांपल। पहला एग्जांपल लेते हैं, टेक आइस इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। एक क्लोज्ड वेल क्लोज्ड कंटेनर में आप आइस लेना, ठीक है, और उसका वे करना, देन डिजोल्व द आइस, उस आइस को हीट करना, देन हीट द आइस, इट गेट कन्वर्टेड इन टू वाटर। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। तो पहले वो सॉलिड था, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। देर इज अ फिजिकल चेंज एंड देन वे द लिक्विड, ठीक है। सो द मास ऑफ द आइस इज इक्वल टू द मास ऑफ द वाटर, मास ऑफ द लिक्विड, क्लियर। इट मीन्स देर इज अ फिजिकल चेंज। इस फिजिकल चेंज में क्या हुआ, जो आइस एक क्लोज कंटेनर में था उसको जब हमने हीट अप किया वो किस में कन्वर्ट हुआ? वाटर में कन्वर्ट हुआ। और आइस का वे और वाटर का वे क्या आया? इक्वल। इट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट इन अ फिजिकल चेंज, क्लियर, ठीक है। आइस किस में कन्वर्ट हुआ? हमारा वाटर में। दोनों का मास हमें क्या मिला? इक्वल मिला, क्लियर। ये हमारा एक फिजिकल चेंज हो गया। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, NaCl प्लस AgNO3, इट गिव्स प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl प्लस NaNO3, क्लियर। ये रिएक्शन है हमारी NaCl प्लस AgNO3, इट गिव्स AgCl which is a PPT plus NaNO3. Now calculate. यहाँ पे अगर हम calculate करें तो first अगर हम NaCl की बात करते हैं, the mass of Na is 23 plus 35.5, so it becomes 58.5 gram. The mass of NaCl is 58.5 gram. Clear? Now what about the mass of AgNO3? 107.3, that is the mass of Ag, plus 14 plus 16 is the mass of one oxygen atom. So 16 3 ja 48, ye ho jayega hamara. Then it becomes 0.3 19 6 169.3 gram. Now if we talk about here, it is 107.3 plus 35.5, so 142.8 gram. And if we talk about NaNO3, 23 plus 14 plus 48, Five, 85 gram. Clear? So the mass of NaCl is 58.5 gram. The mass of AgNO3 is 169.3 gram. Mass of AgCl is 142.8 gram. And mass of NaNO3 is 85 gram. Now according to this law, the mass of reactant is equal to the mass of the product. Any mass of reactant hamara kya hoga? 58.5 plus 169.3, ठीक है, that is equals to 227.8 gram. And the mass of the product is 142.8 plus 85, that is equals to 227.8 gram. Clear? It means the mass of the reactant is equal to the mass of the product. Clear? So this is our physical change. ये हमारा physical change था, ये हमारा chemical change था. Physical change हो या chemical change हो, जो mass of reactant होगा वो always किसके equal होगा? Mass of the product के equal होगा. This thing is clear? Note down this. Noted? Okay, now अब यहाँ पे एक exception आया, इसलिए but लग गया, ठीक है, in nuclear reactions और in some of the reaction,
ठीक है, कुछ रिएक्शन में क्या देखा दैट द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट. जो कुछ रिएक्शंस बाद बाद में स्टडी होने लगी, डेवलप होने लगी, डिस्कवर होने लगी, तो ये देखा दैट द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट. तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ दैट वेयर इज दैट मास लॉस्ट, मास गया कहाँ? ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग तो रिएक्टेंट का मास किसके मास के इक्वल है? प्रोडक्ट के मास के इक्वल है. और प्रोडक्ट का मास न्यूक्लियर रिएक्शंस में रिएक्टेंट के मास से कम आ रहा है, तो मास गया कहाँ? इसका जो आंसर दिया वो दिया आइंस्टीन की इक्वेशन ने, दैट इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर. क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, एक एक्सेप्शन अराइज हुआ, एक एक्सेप्शन अराइज हुआ कि जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस है, जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस है, उन न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास निकला प्रोडक्ट का, द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज स्लाइटली लेस देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट. क्लियर? तो इसका जो आंसर हमें मिला वो आइंस्टीन की इक्वेशन से मिला, दैट इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास विच इज लॉस्ट, जो मास लॉस्ट हुआ है, C is the speed of the light, velocity of the light, and E is the energy. Clear? तो यहाँ पे इस equation के according ये कहा गया that sum of the mass get converted into the energy. जो mass lost हुआ था वो actually किस में convert हुआ? Energy में convert हुआ, और energy की form में वो हमको मिला. ठीक है? Let us take one example. Uranium 235, जो यूरेनियम है उसका मास 235 है. जब इसमें हमारे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है, क्लियर, जब न्यूट्रॉन इससे बम्बार्ड करता है यूरेनियम से, सो यूरेनियम का जो एटम होता है वो स्प्लिट हो जाता है इंटू टू एटम्स. वन इज बेरियम जिसका मास है 137.3, और अनदर वन इज क्रिप्टन जिसका मास है 97. मीन्स वेन अ हाई मूविंग, बहुत आपका हाईली मूविंग अगर न्यूट्रॉन किससे बम्बार्ड कर रहा है? यूरेनियम से बम्बार्ड कर रहा है. सो इट गेट स्प्लिट इंटू टू एटम, दैट इज बेरियम एंड क्रिप्टन. अब अगर यहाँ पे देखें, जो यूरेनियम का मास है वो है 235, और जो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिले हैं उनका मास अगर हम देखें तो वो है 137.3 प्लस 97, दैट इज 234.3. तो यहाँ पे मास क्या हो गया? स्लाइटली डिक्रीज हो गया. और ये क्यों डिक्रीज हुआ? बिकॉज जो मास यहाँ पे लॉस्ट हुआ वो आपका किस में कन्वर्ट हुआ? इन एनर्जी. क्लियर? जो मास यहाँ पे हमारा डिक्रीज हुआ है, एक्चुअली दिस मास इज गेट कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी. सो ये जो लॉ है हमारा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको मॉडिफाई कर दिया गया, और इसको क्या कहा गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, बोथ मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट. द टोटल सम ऑफ द मास एंड एनर्जी ऑफ द रिएक्शन रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज. कोई भी आप रिएक्शन लोगे, उस रिएक्शन में थ्रू आउट द रिएक्शन जो मास एंड एनर्जी का सम होगा वो सम उतना ही रहेगा. मास एनर्जी में कन्वर्ट हो, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो, लेकिन जो टोटल सम होगा इट रिमेन सेम. क्लियर? सो ये हमारा इसका मॉडिफिकेशन था बिकॉज ऑफ फ्यू रिएक्शन. जिन रिएक्शंस में मास किस में कन्वर्ट होता है? हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है. वहां पे हमारा क्या लगेगा? दैट बोथ मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, बट द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी थ्रू आउट द रिएक्शन रिमेन अनचेंज इन केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शन. क्लियर? सो हेयर इज वन न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन दिस लॉ. इफ 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 आर एडेड टू 15 ग्राम ऑफ CH3COOH सॉल्यूशन. आपके पास NaHCO3 है और आप उसको किस में ऐड कर रहे हो? CH3COOH के सॉल्यूशन में.
ठीक है, इट मीन्स द रिएक्शन इज एन ए एच सी ओ थ्री प्लस सी एच थ्री सी ओ ओ एच. ये जो एन ए एच सी ओ थ्री है आपका, इट इज 6.3 ग्राम एंड दिस इज 15 ग्राम. क्लियर? तो क्या हो रहा है आपका, द रेसिड्यू इज फाउंड टू वेट 18 ग्राम. जो चीज बन रही है वो कितने ग्राम है, 18 ग्राम. एंड व्हाट इज द मास ऑफ सीओ टू रिलीज इन द रिएक्शन, मीन्स व्हेन NaSCO3 रिएक्ट्स विद COOH यू गेट अ प्रोडक्ट अलोंग विद अ सीओ टू गैस जो लिबरेट हो चुकी है. ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो सीओ टू लिबरेट हुई है उसका मास कितना होगा. क्लियर? ठीक है, नाउ इट गिव्स सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस एच टू ओ प्लस सी ओ टू. ठीक है, नाउ अगर आपको ये रिएक्शन नहीं भी आ रही है, आप सिंपली इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रेसिड्यू लिख सकते हैं. क्लियर? ठीक है, तो ये जो हमारा रेसिड्यू है, इस रेसिड्यू का जो टोटल मास हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 18 ग्राम, और इसका मास हमने निकालना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स ग्राम. क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट. क्लियर? इट मीन्स द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. It means, sorry, 6.3 plus 15 is equals to 18 plus. sorry, 18 plus x. Clear? So, अगर इसको हम add करते हैं, it becomes 21.3 is equals to 18 plus x. और x is equals to 21.3 minus 18. So it is equals to 3.3 ग्राम. Means जो CO2 यहाँ पे हमारी liberate हुई है वो कितनी liberate हुई है, 3.3 ग्राम. इतने ग्राम ऑफ CO2 हमारी यहाँ पे रिलीज हुई है. और ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो हियर इज वन क्वेश्चन फॉर यू, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. सिल्वर नाइट्रेट का कितना मास 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true. अगर law of conservation of mass applicable है वो सही है, तो silver nitrate का कितना mass 5.85 gram of sodium chloride के साथ react करके क्या produce करेगा, 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट. सो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है एंड टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा. सो आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया हो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपने एक उसकी डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन समझनी है. ये हमें किसने दिया था, दैट इज एंटोनी लेवोइजियर ने इन 1789. और इसकी जो लिमिटेशन है इन न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, उसके बेसिस पे स्टेटमेंट किया है एंड द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस लॉ. ठीक है, सो इतना सफिशियंट है इस लॉ में. अगर आप इतना पढ़ लेते हैं इस लॉ के लिए तो दिस इज सफिशियंट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In our next video, we will talk about the next law. Thank you so much.